प्रेवलेंस एंड कोमोबिडिटी प्रेवलेंस एंड कोमोबिडिटी में वी विल सी के जो प्रेवलेंस रेट है uh, वो कितना है जनरल पॉपुलेशन में एज वेल एज इन द शॉप लेफ्टर्स लिफ्टू और जेंडर uh, का रेशो प्रपोर्शन क्या है और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो कोमोबिडिटी है यानी कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो इस प्रॉब्लम के साथ कोअर कर सकते हैं तो हेयर वी विल गो अकॉर्डिंग टू डी एस एम फाइव जो क्लैप्टोमीनिया है वो फोर टू ट्वेंटी फोर परसेंट तक जो है वो देखा गया है उन इंडिविजुअल्स में जो कि शॉप लिफ्टिंग के लिए अरेस्ट हुए हैं ठीक है उसके बाद जब हम जनरल पॉपुलेशन में इसका रेशो देखते हैं तो वो बहुत माइल्ड uh, है दैट इज़ पॉइंट थ्री टू पॉइंट सिक्स परसेंट इंटरेस्टिंगली फीमेल्स में क्लैप्टोमिया ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू मेल फीमेल में थ्री परसेंट यानी थ्री रेशो वन का जो है आप हिसाब करें तो जो फीमेल्स हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा है इसकी पॉसिबल uh, रीजंस जो एक्सप्लेन की जाती हैं दैट इज़ रिलेटेड विद द मूड जो हम कॉजेस देखेंगे तो वी विल डिस्कस ओवर देयर देन द ऑनसेट ऑनसेट जो है वो इसका चाइल्डहुड में भी होता है और एडोलस तक हो जाता है बट सर्टेन टाइम ये लेट अभी इसका ऑनसेट होता है बट आफ्टर और इन uh, लेट uh, uh, जिसे कहते हैं एज फॉर एग्जांपल आफ्टर फिफ्टी जो है इसका ऑनसेट देखने में नहीं आया इससे पहले पहले इसका ऑनसेट जो है वो हो जाता है देन वी विल गो वर्ड्स द कोमोबिडिटी जब हम कोमोबिडिटी की बात करते हैं तो इन uh, लोगों के अंदर जिनके अंदर क्लाप्टोमिया का प्रॉब्लम होता है कंपल्सिव बाइंग जो है वो देखने में आती है अब कंपल्सिव बाइंग क्या है कि आपने जाना है और आपको एक चीज़ लेनी है और आप ख़रीद लेते हैं ठीक है और आप यू फील यूर सेल्फ़ पुश्ड टू बाय सर्टन थिंग्स ठीक है और आप उसको या फिर आप जाएंगे और एक ही चीज़ जिस तरह का शैम्पू है तो अगली दफ़ा भी शैम्पू ले आएंगे और फिर दोबारा शैम्पू ले आएंगे तो इस तरह की जो कंपल्सिव बाइंग है वो आपके बिहेवियर में मैनिफेस्ट होगी इसी तरह आ, ये कहा जाता है कि जो मूड डिसऑर्डर्स हैं वो कोमोबिडिटी uh, में uh, पाए जाते हैं क्लैप्टोमीनिया के स्पेशली जो डिप्रेशन है वो कहा जाता है कि डिप्रेशन का एलिमेंट जो है इन लोगों के अंदर देखने में आया है यानी जिन लोगों को क्लैप्टोमिया हो देर आर चांसेस के उनके अंदर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की भी सिम्टम्स uh, मौजूद हो एजाइटी डिसऑर्डर बिकॉज दे फील दम सेल्फ टेंस तो इट माइट पॉसिबल कि उनके अंदर किसी कोई भी जो इन्जाइटी डिसऑर्डर है मे बी जनरलाइज्ड एन्जाइटी डिसऑर्डर उनके अंदर मौजूद हो ठीक है तो आपने ये चीज़ भी चेक करनी है कि कहीं एन्जाइटी डिसऑर्डर के कोई फ़ीचर्स जो हैं वो तो नहीं मौजूद इसी तरह ईटिंग डिसऑर्डर ईटिंग डिसऑर्डर में स्पेशली बोलेमा नर्वोसा जो है वो इन बच्चों में ज़्यादातर देखने में आया है क्योंकि बुलिमा नर्वोसा के अंदर भी कुछ कंपल्सिव एक्ट्स होते हैं जो कि पेशेंट जो है वो बार बार रिपीट करता है तो ईटिंग विच व रिलेटेड विद द ईटिंग तो आप ये ने ये भी देखना है कि क्लाइंट के अंदर कहीं ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो तो कोमोबिट नहीं हो रहा देन द पर्सनालिटी डिसऑर्डर फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम्पल जैसा एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या बॉर्डर लाइन पर्सनलिटी डिसऑर्डर तो इन बच्चों के अंदर अगर एडल्ट है तो उनके अंदर मौजूद है या नहीं है देन द सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर अल्कोहल यूज जिन लोगों के अंदर ज़्यादा होता है देखा गया है कि उनके अंदर क्लाप्टोमिया के जो सिम्टम्स हैं वो सर्टेन टाइम एग्जिबिट हो रहे होते हैं देन अदर डिस्ट्रप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर जिस तरह ओ उप, ऑपोजिशनल उप, डाफियन डिसऑर्डर ई डी एच डी या कंडक्ट डिसऑर्डर इनके जो फीचर्स हैं वो तो मौजूद नहीं हैं इन शॉर्ट अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आया है जैसे क्लैप्टोमिया का प्रॉब्लम है तो यू नीड टू बी आइडेंटिफाई कि उनके साथ इनमें से कोई और डिसऑर्डर की को uh, कोअ्रंस तो नहीं हो रही दैट हैज मीन द को के एक डिसऑर्डर के साथ दूसरा डिसऑर्डर तो एट द सेम टाइम कोअ नहीं कर रहा थैंक यू